हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैमी ज़ायका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन रोल की रेसिपी। बहुत ही कम चिकन में ये ढेर सारे चिकन के रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और इसे शेयर ज़रूर करें। तो देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। चिकन रोल हमारा बहुत ही क्रिस्पी बने उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून तेल, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाकर थोड़ा आटा लेकर हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे। अगर ये ऐसे जम रहा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से इसमें मोवन हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदेंगे और इस तरीके से इसका थोड़ा टाइट डो बना लेंगे। इस डो को हम 10 से 15 मिनट तक एक साइड में रख देंगे। जब तक डो हमारा अच्छे से सेट हो रहा है तब तक हम चिकन रोल की फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम श्रेडेड चिकन। ये श्रेडेड चिकन कैसे बनाते हैं अगर ये आपको जानना है तो उसके लिए आप मेरी रशियन कबाब की रेसिपी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है कि ये कैसे बनाया जाता है। साथ ही इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन आलूओं को या तो हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या मैश कर लेंगे। मैंने तो इसे मैश किया है। इसको बहुत अच्छे से मैश करना है, बीच में कुछ भी मोटा आलू न रह जाए। जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तब हम इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 2 और 3 टेबल स्पून, 4 से 5 चॉप्ड हरी मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ये मेरा होममेड है, इसका वीडियो भी चैनल में आ चुका है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, फ्रेश हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 पाउच ओरिगेनो। जब हमारे यहाँ पिज्ज़ा आता है तो ये पाउच अगर यूज़ नहीं होते हैं तो मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ और मैंने इसमें यही यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी ओरिगेनो यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद ये एकदम डो के जैसा तैयार हो जाएगा और इसे हम एक साइड में रख देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद सारे मसाले अच्छे से जब सेट हो जाएंगे तब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इनके छोटे छोटे रोल बनाकर एक साइड में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इनका रोल बनाकर भी फ्रीज़र में आप इन्हें स्टोर करके 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। तो अब इन्हें भी हम एक साइड में कर देते हैं और अपना आटा चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इनको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और हाँ, मैदे की आटे में एक खासियत होती है, जब भी आप उसे हाथ से लेकर टच करते हैं या दूसरे शेप में जब लाने की कोशिश करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। इसके लिए उसे हर स्टेज में थोड़ा सा सेट होने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसकी लोई भी बनाएंगे और इसे भी 2 मिनट तक एक साइड में कर देंगे, जिससे 2 मिनट के बाद जब इन्हें हम बेलेंगे तो ये अच्छे से फैलती जाएंगी। अब हम सूखा मैदा लेंगे और उसकी हेल्प से इन्हें हम पूड़ियों के जैसा बेल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये पूड़ी मोटी ना हो, जितनी हल्की होगी हमारे रोल उतने ही अच्छे बनेंगे। अब जो चिकन का मैंने अंदर की फिलिंग की रोल बनाए हैं उन्हें हम रख कर पहले इनका साइज सेट कर लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। और इन्हें रोल बनाते हुए लास्ट पॉइंट पे एक अलग से जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था उसे हम लगाकर इसे फोल्ड कर लेंगे।
इसी प्रोसेस से हम बाकी के रोल भी तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें हम एक साइड में रख देंगे। अब हम एक बाउल में लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और 2 पिंच के करीब येलो फूड कलर, इसे पानी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। बस इसकी कंसिस्टेंसी हमें बहुत ध्यान करके ये देखनी है कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। अब एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स, जिसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये मेरे पास कुछ ओट्स पड़े हुए थे, इसलिए 1 टेबल स्पून ओट्स इसमें यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब रोल को हम सबसे पहले लिक्विड में डिप करेंगे, उसके बाद इसे निकालते हुए हम ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से कोट कर देंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। इसी प्रोसेस से सारे ब्रेड रोल हम सेट करके एक साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, और गरम तेल में हम एक एक करके अपने चिकन रोल डालते जाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम हीट होना चाहिए। गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम टू लो में रखेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ही ये रोल गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के रोल को भी फ्राई कर लेंगे। तो मेरे सारे फिंगर रोल इस तरीके से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम सर्व करेंगे। हम सभी को तो ये बहुत ही टेस्टी लगे, आपको ये कैसे लगे तो मेरे साथ आप भी एंजॉय करें। इसे आप पुदीना और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो टोमेटो केचप के साथ, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आप भी मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों में स्टार्टर की जान रशियन कबाब की रेसिपी। टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हम धोकर साफ कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस की फ्लेम को लो में रखेंगे और इसे 4 से 5 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई करने का मकसद यही है कि चिकन से कच्चापन दूर हो जाएगा, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट का भी जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और लिड लगाकर इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। पांच से 10 मिनट के बाद हम लिड को हटाएंगे। ये देखिए इससे पानी कितना रिलीज हुआ है। अब इस पानी को हम जला लेंगे और भूनते भूनते हम चम्मच से ही इन पीसेस को अलग अलग करते जाएंगे। अगर आपसे चम्मच से ये आसानी से नहीं होते हैं तो इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दें और इनको आप हाथ से भी कर सकते हैं। चिकन के रेशे आसानी से हाथ से भी अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए चिकन के पीसेस के रेशे एकदम अलग अलग हो गए हैं। मैंने चम्मच की हेल्प से भी किया और ठंडा होने के बाद इसे हाथ से भी कर दिया था। अब श्रेडेड चिकन को हम एक बाउल में डाल देंगे। ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इनका भी छिलका उतार कर हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और इन्हें भी हम चिकन के साथ ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे, जैसे एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च जिसे हमने ग्रेट कर लिया था, एक गाजर इसे भी हमने ग्रेट किया है, 5 से 6 बारीक की हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि पहले ही हम नमक ऐड कर चुके हैं, ये 8 से 10 काजू हैं, इसको हम क्रशर में क्रश कर लेंगे, एकदम बारीक पाउडर जैसा नहीं करना है, बस दरोरा सा रहे, 4 से 5 काजुओं के 2-2 पीस मैंने किया है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो काजू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज्यादा सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 4 to 5 टेबल स्पून मैदा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। जब सभी इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिल जाएं, तो इन्हें हम 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका कबाब बनाएंगे। तो अब हम कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम अपनी हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। कबाब जिस साइज का बनाना है उतना हम मिक्सचर लेंगे और उसे धीरे धीरे हम कबाब का शेप दे देंगे। आप चाहें तो गोले बनाइए या जैसे भी चाहें, ये आपकी चॉइस। लेकिन चूंकि हम रशियन कटलेट बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसका शेप हम कटलेट के जैसा ही देंगे। तो बस इस तरीके का शेप हम तैयार करते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा रुक कर बनाना है, 1 या 2 दिन में ये कबाब तैयार करने हैं या यूज करने हैं, तो आप इन्हें फ्रीज में भी रख सकते हैं। कबाब सारे तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं हम दूसरी तैयारी की तरफ। और इसके लिए हम एक बाउल में 2 अंडे लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। इसे भी साइड में रख देंगे और दूसरे बाउल में कुछ सेवइयां हम लेंगे, इसे हम बारीक कर लेंगे। अब हम तैयार किए हुए कबाब को सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद इन्हें हम सेवइयों में डाल देंगे और सेवइयों को हम कबाब के चारों तरफ अच्छे से कोट कर देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब तैयार कर एक अलग साइड में रखते जाएंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा ज्यादा तेल। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और एक एक करके कबाब डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, वरना कबाब हमारे जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे तो कबाब हमारे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। कबाब का दूसरा साइड चेक करते जाएंगे, अगर गोल्डन कलर आ गया है तो इसे हम दूसरे साइड में पलट देंगे। बस इसी तरीके से हम दोनों साइड से इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये बहुत मेहनत करके हम लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कबाब को फ्राई करने के बाद हम टिश्यू पेपर में रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। बस इसी प्रोसेस से हम बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे।
और इस तरीके से हमारे रशियन कबाब तैयार हो गए हैं। इसे आप हरी धनिया की चटनी और नींबू के साथ टेस्ट करें, आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो अब आपको किसी शादी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली चिकन की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर उसे हम परफेक्ट तरीके से डालते हैं तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे और धोकर साफ़ कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, ये चिकन को गलाने में काम करेगा, 1 टीस्पून सोया सॉस। एक बाउल में अलग एक अंडा लेंगे, उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसे भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा होममेड है, इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का वीडियो चैनल में आ चुका है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे मैरिनेशन करने के लिए 1-2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे ऑन स्पॉट भी बनाएं। अब एक फ्राई पैन में हम इतना तेल डालेंगे जिससे चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाएं। तेल जब गर्म हो जाएगा तब एक एक करके हम चिकन के पीसेस तेल में डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब चिकन के पीसेस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन के पीसेस अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएंगे हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए पीसेस भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए हम फ्राई किया हुआ चिकन के पीस को चेक करते हैं। तो ये पीस अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून तेल, 6-7 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हम 3-4 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 क्यूब शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज की प्याज, उनको भी हमने क्यूब शेप में ही कट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। इन वेजीज को हम 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, हमें इन्हें गलाना नहीं है। बस 2-3 मिनट के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक अलग बाउल में लेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर,
और नॉर्मल पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम धीरे धीरे ग्रेवी में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम में रखते हुए एक बॉयल ले लेंगे। जैसे ही मिक्सचर मिलाने के बाद एक बॉयल आ जाएगा, हम फ्राई किया हुआ चिकन भी इसी में ट्रांसफर कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब ग्रेवी और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बस इस तरीके से हमारा चिली चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर इसे शेयर करें। आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। आपको कोई भी नई रेसिपी की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।